दो मैच खेल चुके इस टूर्नामेंट में, जिसमें से एक मैच पहला मैच उन्होंने जीता था, दूसरे मैच में फील्डर के सर के ऊपर से ही मारते हैं और एक और बेहतरीन कवर ड्राइव 4 रनों के लिए। इस बार अच्छी गेंद स्टंप्स की लाइन में करते हुए आदित्य, कल के दिन मिसिंग जरूर थे लेकिन आज यहाँ पे डीएफ लायंस को रिप्रेजेंट करते हुए आदित्य अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं घोलवड़ की ओर से। काफी अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं कामली समाज के, और सामने उनके हैं कामली समाज के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज आर्यन कामली, जिन्होंने अपना डंका बजाया है इस टूर्नामेंट में। इस बार बेहतरीन क्रिकेटिंग स्ट्रोक, कलाइयों का बेहतरीन उपयोग, फील्डर के सर के ऊपर से बटोरा चौका। लेते हुए आर्यन की बल्लेबाजी का बीच स्क्वायर लेग का फील्डर को अंदर बुलाया है और वहां पे वैसा ही कुछ शॉट खेलना चाहा था लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में ये लगने वाला बहुत ही बड़ा झटका। आर्यन का स्थान है गया नए बल्लेबाज जितेश, घरेलू क्रिकेट खेलते हैं उमर राम वलोरी की ओर से। पूरे इस टूर्नामेंट में साई युग के लिए सबसे ज्यादा रन बनाया है आर्यन ने, अब देखना होगा आर्यन का विकेट पहले ही ओवर में दिलाने में सफल रहे आदित्य। अब देखना होगा रचित इस इनिंग को कैसे आगे लेके आते हैं रचित और जितेश। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद जाएगी 1 बाउंस ओवर द रूप 4 रनों के लिए।
मिली है, लेकिन डीएफ लायंस की टीम इस समय खुश होगी। आज इनका विकेट मिला है और वहां पे बेहतरीन कवर ड्राइव रचित के बल्ले से निकल रहा है पहला चौका इस पारी का। हवाई फायर करने का प्रयास, लेकिन सीधे हर्षल के हाथों में गई गेंद और एक और बड़ा झटका। रचित कप्तान लौटे हुए रचित का स्थान इनका है बल्लेबाज मितेश, घरेलू क्रिकेट खेलते चला डूंगर फरिया की ओर से। अब देखना होगा दो स्ट्राइक बल्लेबाज के आउट होने के बाद कैसे क्रिकेट खेलते हैं जितेश, जो कि बिल्कुल भी अग्रेसिव क्रिकेट को छोड़ने की बात नहीं कर रहे। अब देखना होगा रचित और आर्यन की विकेट के बाद क्या रवैया अपनाती है साईयू की टीम, क्योंकि अभी तक इस टूर्नामेंट में ज्यादा से ज्यादा रन रचित और आर्यन ने अपनी टीम के लिए बनाया है। आज देखना होगा टॉप ऑर्डर के आउट होने के बाद अब मिडल ऑर्डर कैसे इस पारी को संभालते हैं। इस बार एक बार फिर से हवाई फायर, नीचे हर्षल मौजूद बेहतरीन फील्डर और एक और कैच लपक लिया। लगने वाला ये तीसरा झटका मितेश के रूप में, मितेश बिना खाता खोले गोल्डन लक लेके लौट हुए पवेलियन। नए बल्लेबाज साईयू की ओर से प्रफुल जो कि अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं बेसोर नवियो की ओर से। देखना होगा कैसे इस पारी को आगे लेके जाते हैं। पावर प्ले का ये ओवर अभी भी जारी है। इस बार बहुत ही अच्छी जड़ में की हुई गेंद, बल्लेबाज पुश करके कवर क्षेत्र में खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन बैट और बॉल में कोई संगम नहीं, उस बीच रुका हुआ स्कोर 23 रन 23। एक ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन बने थे, अभी तक 5 रन आए हैं और इस ओवर में 2 विकेट जरूर प्राप्त किए। एक और बेहतरीन जड़ में की हुई गेंद, वहां पर रनआउट का मौका हो सकता था अगर डायरेक्ट हिट लगा पाते हर्षल तो। ऑलरेडी 2 कैच लपक चुके थे, अगर ये डायरेक्ट हिट भी लगाते तो बेस्ट फील्डर की सूची में ऊपर आते, लेकिन क्रिकेट का खेल है अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 24 रन 3 विकेट के नुकसान पे। रनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो साईयू की अच्छी शुरुआत मानी जाएगी, 2 ओवर में 24 रन जरूर बनाए, 12 के औसत से रन बन रहे, लेकिन मुश्किलात में फिर भी नजर आएगी क्योंकि स्ट्राइक बल्लेबाज रचित और आर्यन और उसके बाद मितेश को भी पवेलियन ने लौटना पड़ा। तो अब देखना होगा जितेश काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है इस पारी को कैसे आगे लेके आते हैं। टीएफ लाइंस की ओर से
लेफ्ट आर्म स्लो ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज धीरे नाय है, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी, घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। वरकुंड की ओर से इस बार कट कर दिया है गली क्षेत्र में, फील्डर वहां पे मौजूद, तब तक फील्ड कर तब तक एक रन चुराने का मौका जरूर था। इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 25। अपनी गेंदबाजी में मिश्रण जरूर करते हैं धीरेन, टेनिस क्रिकेट में आज आप अगर मिश्रण करना जानते हैं गेंदबाजी में तो काफी सफल साबित हो सकते हैं। इस बार डाउन द ग्राउंड खेला है, हल्के हाथों से पुश कर दिया एक रन के लिए, इसी एक रन के साथ प्रफुल्ल ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर बचा 26। यहां से देखना होगा साइयो क्या अप्रोच प्रदान करती है, क्योंकि चाहेगी नहीं कि ज्यादा प्रेशर ले, क्योंकि उन्हें रन भी बनाने होंगे। काफी बड़ा बैटिंग लाइनअप है डीएफ लायंस के पास, बड़े बड़े हार्ड हिटरों की कमी नहीं है डीएफ लायंस के पास, तो चाहेगी साइयो की टीम के एक बड़ा टोटल जरूर खड़ा करे। इस बार थोड़ी बाहर जाती हुई अंपायर का इशारा वाइट का, अतिरिक्त रन में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 28। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा और गेंद एक बार अगर पीछे के एरिया में जाएगी तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, काफी तेज आउट। इस बार रन आउट का मौका जरूर था वहां पे, काफी समय था धीरेन के पास लेकिन एम नहीं कर पाए स्टंप्स पे, उस बीच एक रन जरूर चुरा, इसे एक रन के साथ तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 33। 33 रन यानी कि 11 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनते हुए। इस ओवर में आए 9 रन जिसमें एक चौका जरूर शामिल था। पारी का चौथा और अपने कोटे का आखिरी वाले क्या है विशाल, विशाल दादा काफी भारी भरकम खिलाड़ी है, कामली समाज क्रिकेट के बाहुबली माने जाते हैं, बड़े बड़े हिट लगा सकते हैं लेकिन वैसे ही मिश्रण भरी गेंदबाजी भी करते हैं। विशाल की अगली गेंद, इस बार कलाइयों का अच्छा उपयोग लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे, खराब फील्डिंग वहां पे देखने को मिली डीएफ लायंस की ओर से, उसी के फलस्वरूप दो रन जरूर चुराए, जहां पे एक भी रन नहीं होना चाहिए था वहां पे दो रन चुराए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच, इस बार अच्छी टप्पा खा के थोड़ी ऊंची रही गेंद, थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिलते हुए इस पिच से, काफी बेहतरीन पिच है यहाँ की, जो बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को सूट करती है। इस बार अच्छा स्ट्रोक पॉइंट फील्डर के सर के ऊपर से, वन बाउंस टू बाउंस ओवर द रोप, चार रन।
देखा पॉइंट के ऊपर से, और इस बार मिताभ के क्षेत्र के ऊपर से खेल दिया है, कमाल का शॉट मिडल ऑफ द बैट, पहला रन तेजी के साथ, एक और रन यहां से हुआ प्राप्त। और डीएफ लायंस की अगर बात की जाए तो जिस तरह से टॉस जीता उन्होंने, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया, विकेट उन्होंने बेहतरीन लिए जरूर है पर रन रोक नहीं पाए हैं अब तक, जिस तेजी के साथ रन बन रहे 10 के ऊपर का औसत, आगे बढ़ता हुआ स्कोर। और यहां पर चार ओवर का खेल समाप्त हुआ, चार ओवर की खेल की समाप्ति के बाद आगे बढ़ता हुआ स्कोर 42-42 रन, यानी कि 10.5 की औसत से रन बनते हुए संयुग 11 तो सामने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 42 रन 42 चार ओवर के खेल की समाप्ति के बाद। और इसके बाद जो मुकाबला होगा आज के दिन का अगला मुकाबला, चैंपियंस 11 वर्सेस केवड़ी सुपर किंग्स, चैंपियंस 11 वर्सेस केवड़ी सुपर किंग्स। इस ओवर के बाद दोनों के बीच टॉस की गतिविधि होगी, चैंपियंस 11 और केवड़ी सुपर किंग्स। और डोनाउट का दगाउट देखिए बिल्कुल पास है, फिलहाल जो मुकाबला चल रहा है डीएफ लायंस और संयुग, उनका भी डगआउट बिल्कुल आसपास, पॉइंट टेबल की नज़र से देखा जाए तो जिस तरह से रुचित वॉरियर्स कल के दिन पहले नंबर पर जरूर थी, शुरुआती दो मुकाबला जीती थी, आज हार का सामना किया उन्होंने, अब पॉइंट टेबल पर संयुग भी बिल्कुल उनके पास है। अच्छी पटकी हुई गेंद वहां पे धीरेन द्वारा, बिल्कुल भी पेस नहीं दे रहे, जैसे कि टेनिस क्रिकेट में बल्लेबाजों को पेस जब भी दिखती है बड़े बड़े हिट लगाते हैं, लेकिन धीरेन जो कि इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी है जानते हैं भली भांति इस गेम को, और उसी बीच रन आउट होके पवेलियन लौटेंगे प्रफुल, लगने वाला एक और झटका साइयों को। नए बल्लेबाज आए हैं प्रफुल का स्थान लेने के लिए, हितेश घरेलू क्रिकेट खेलते हैं चलाडू गफरिया की ओर से, और विस्फोटक बल्लेबाज साइयों के खेमे से, अब देखना होगा कैसे इस पारी को आगे लेके आते हैं। धीरेन की अगली गेंद, इस बार बल्ले पे सही से आई नहीं, डाउन द ग्राउंड खेला एक रन के लिए, इसी एक रन के साथ अपना खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचाया 43, चार ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन बने थे, अभी तक मात्र एक रन आया है, तीन गेंदों में मात्र एक रन, यानी कि अभी बल्लेबाजों को कसने में थोड़ा सफल हुए हैं धीरेन, जैसे मैंने पहले ही कहा था काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, जानते हैं पेस बिल्कुल भी नहीं दे रहे बल्लेबाज को। इस बार हवाई फायर जरूर किया है, फील्डर वहां पे मौजूद, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, एक ही रन तक सीमित रखेंगे इसी एक रन के साथ, बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन।
एक और हवाई फायर देखना होगा, फील्डर उसके नीचे नहीं पहुंच पाएंगे, गेंद जाएगी वन बाउंस ओवर द रूप चार रन के लिए। पारी का आखिरी, अब लेके आए हैं कप्तान चिराग खुद। इस बार एक बार फिर से हवाई फायर, फील्ड उसके नीचे मंथन और बेहतरीन कैच लपक लिया, लगने वाला है एक और छटका हितेश के रूप में। चिराग की अगली गेंद सामना करेंगे जितेश, इस बार लोअर फुलटोस रही गेंद, जिससे स्क्वायर लेग क्षेत्र में खेलने का प्रयास जरूर किया था जितेश ने, लेकिन असफल रहे। इस बार हवाई फायर, फील्डर उसके नीचे और एक और विकेट यहां पे। नए बल्लेबाज याग्निक और जय क्रीज पे मौजूद, आखिरी तीन गेंदे, इस बार थोड़ी फिर से लोअर फुलटॉस की गेंद, एक बार फिर से हवाई फायर करने का प्रयास याग्निक द्वारा, लेकिन एक बार फिर से विशाल ने बेहतरीन कैच लपका। देखना होगा चिराग क्या हैट्रिक लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन पाएंगे या नहीं। इस बार फिर से हवाई फायर, फील्डर के इस बेहतरीन फील्डिंग वहां पे विशाल द्वारा, अपनी हाइट का पूरा पूरा फायदा उठाते हुए गेंद को रोका। अभी भी एक गेंद शेष इस पारी की, सामना करेंगे हार्दिक। इस बार एक और स्लो डिलीवरी, इसी के साथ पारी की समाप्ति। पारी की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है किला।
फरिया की ओर से पहला ही हवाई फायर, स्वागत किया रचित का छक्के के साथ, बिल्कुल मूड में नजर आते हुए मंथन। पहली ही गेंद, रचित बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पहली गेंद पे छक्का लगाएंगे, लेकिन काफी विस्फोटक बल्लेबाज, एक बार फिर से हवाई फायर नीचे इसके फील्डर आते हुए, और कैच लपक लिया जितेश ने, लगने वाला है पहला झटका मंथन के रूप में। छक्का जरूर लगाया था, 600 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे बंथन, लेकिन जिसे कहते हैं स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेल पाए। पहले गेंद पे छक्का बटोरने के बाद मुझे लगता है एक रन लेके स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए था उन्हें, लेकिन थोड़े लालची हो गए। एक बार फिर से बड़ा हिट लगाने का प्रयास जरूर किया था, हवा में गई गेंद और अच्छा कैच लपका वहां पे जितेश ने, और अब मंथन का स्थान लेके नए बल्लेबाज धीरेन। घरेलू क्रिकेट खेलते वरकुन लक्की की ओर से रचित की अगली गेंद, केयूर को बहुत ही अच्छी जड़ में की हुई गेंद, हल्के हाथों से पुश कर दिया एक रन के लिए, इसी एक रन के साथ अपना खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचाया 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और अब रचित का सामना करेंगे धीरेन, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, इस बार बहुत अच्छी गेंद बीट किया धीरेन को, हल्के हाथों से पुश करना चाहते थे मिड ऑफ क्षेत्र में, लेकिन बैट और बॉल में कोई संगम नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रुका हुआ स्कोर 7 रन। अच्छा ओवर घटते हुए अभी तक रचित के लिए, पहले गेंद पे छक्का जरूर लगाया था मंथन ने, लेकिन उसके बाद एक अच्छा कमबैक किया है उन्होंने। रचित की अगली गेंद, सामना करेंगे केयूर, दोनों प्लेयर एक ही टीम के लिए खेलते, चला डूंगर फरिया की ओर से, देखने लायक होगा दोनों रिलेशन में भाई होते हैं, मतलब यानी कि यूसुफ पठान और इरफान पठान की तरह दोनों भाई अगेंस्ट ईच अदर। उसके साथ ओवर की समाप्ति, पावर प्ले के पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छी शुरुआत जरूर मानी जाएगी सायुक द्वारा, बल्लेबाजों को अभी तक बांध के रखा हुआ है, और देखिए जिस तरह से 50 का पीछा किया जा रहा है, पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 8 1 विकेट के नुकसान पर, यानी कि बाकी बचा खेल जो है 30 गेंदों का, और 30 गेंदों में जीत के लिए 42 रनों की आवश्यकता है, सॉरी 51 रन बनाने हैं, यानी कि अभी भी 43 रनों की आवश्यकता। और डीएफ लायंस की टीम की बात की जाए तो उनकी टीम में काफ़ी सारे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भी मौजूद है, यह मुकाबला बेहद रोमांचक हो सकता है, और यह टूर्नामेंट भी बेहद रोमांचक हो सकता है अगर ये मुकाबला डीएफ लायंस जीती है। और गेंदबाजी लेकर आए हैं आर्यन, जिन्होंने आज के दिन पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब प्राप्त किया,
एक बेहतरीन पारी खेली थी, 45 नॉट आउट 18 गेंदों में, और गेंदबाजी में भी एक विकेट लिया था। फिलहाल साई युग 11 के लिए एक ऑलराउंडर की मुख्य भूमिका में है आर्यन। और इस बार पटकी हुई गेंद करने का प्रयास, और वहां पर देखिए एक ही जगह पर दोनों, और यहां पर देखिए खराब थ्रो, मौका था यहां पर रन आउट करने का, कहीं ना कहीं यहां पर चूके और नतीजा एक रन प्राप्त हुआ। हल्की सी हां ना हां जरूर हुई थी दोनों बल्लेबाजों के बीच। पहले शुरुआत की थी धीरेन ने, रन लेने का प्रयास किया, हाथों में फील्डर के आई गेंद, रोका बल्लेबाज केयूर को, पर केयूर वहां पर आ चुके थे वापस, जिस तरह से रनआउट का खतरा मंडरा रहा था। और आखिरकार जिस तरह से विकेट कीपर के हाथों में गेंद आई थी, विकेट कीपर ने गेंदबाज को जरूर गेंद सौंपी पर सही तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए, और नतीजा एक रन चुराने का मौका था। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन एक विकेट के नुकसान पर, जीत के लिए 51 का लक्ष्य है। इस बार पटकी हुई गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल, और अंपायर का इशारा यहां पर वाइड का, और जिस तरह से अतिरिक्त उछाल मिला था और इसी अतिरिक्त के साथ एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2 अंकों में 11 रन एक विकेट के नुकसान पर, पावर प्ले का खेल जारी है। और जिस तरह से अभी भी जो गेंदें बची है 28 गेंदों में जीत के लिए 40 रनों की आवश्यकता है। और यहां पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन, डीएफ लायंस जिनके पास बेहतरीन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है टीम में मौजूद, मुकाबला रोमांचक होने की पूरी संभावना है। और यहां पर गेंद को जांचा, परखा और खेल दिया बिल्कुल उनके डगआउट के पास। पहले और यहाँ पर देखिए बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए खिलाड़ी एक रन से नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो क्रामली प्रीमियर लीग सीजन 1 टाइटल स्पॉन्सर दर्शनम कप, 7 टीमों ने हिस्सा लिया है, क्वालिफाई होगी 4 टीम। और आज का और कल का दिन नेट रन रेट के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, 7 में से 4 टीम रहेगी जो क्वालिफाई होगी, और संडे को क्वालिफाई राउंड, एलिमिनेटर मैच और फाइनल मुकाबले भी होगा। और यहां पर देखिए तेज गति की गेंद को, क्या कमाल का शॉट, क्रिकेटिंग इलेक्ट्रिक शॉट। चार रन के लिए पावर प्ले के खेल में इस प्रकार के शॉट बहुत ही जरूरी बनते हैं। और यहां पर यही शॉट खेलते हुए प्रारंभिक बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर जो मौजूद थे केयूर, इस बार स्ट्राइक पर, स्ट्राइक उनको कम मिली है पर रन बनाए हैं उन्होंने। और इस बार बहुत ही संतुलित लाइन एंड लैंड, यही गेंद करनी थी आर्यन को, यहां पर हुई हल्की सी चूक, खेल समाप्त हुआ पावर प्ले का। और 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 22, एक विकेट के नुकसान पर, बाकी बचा खेल है 24 गेंदों का, और 24 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 29 रन। और जिस तरह से
ये समीकरण है 24 गेंदों में 29 रन, यानी कि करीबन औसत की बात की जाए तो 7.25 की औसत से रन बनाने हैं। और दोनों बल्लेबाज यहां पर एक लंबी पारी खेल रहे हैं, न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत के समय में जो खड़ा वही सबसे बड़ा, एक बेहतरीन पारी खेलने का पूरा प्रयास एक अनुभवी बल्लेबाज डीरेन और उभरते हुए खिलाड़ी कियूर की ओर से। पहला विकेट जिस तरह से दूसरी गेंद पर हुआ था, मंथन पहली गेंद पर इस पारी की शुरुआत की थी, उन्होंने छक्के के साथ यॉर्कर गेंद के ठिकाने पर गेंद गई थी, पर गेंद को सीमा रेखा के बाहर ठिकाने लगा दिया था उन्होंने। और दूसरी गेंद पर रचित ने भी सफलता प्राप्त की, और यहां पर देखिए यू मिस आई हिट क्लीन बोल्ड। की जगह में लगाइए, कल जिस तरह से वार्निंग भी मिली थी, काफी सारे दर्शकों को पेनल्टी भी लगी थी, कमिटी की ओर से वो भुगतान दिया गया था, पर अब आपकी खुद की जिम्मेदारी रहेगी। आपकी गाड़ी अगर पार्किंग की जगह में नहीं रहेगी, आप बिना मास्क के घूमेंगे, तो हर एक दर्शक थोड़ा सा सहयोग दे। ये जिस तरह से टूर्नामेंट हो रहा है कामड़ी समाज के आगेवानों के द्वारा, बेहतरीन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट, उनके समाज के खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर खड़ा किया, एक सपना देखा कि समाज के जो टीम है एक साथ मिलकर इस प्रकार का प्रीमियर लीग का आगाज किया है बिक्सी के इस ऐतिहासिक मैदान पर, जहां पर बहुत ही संतुलित लाइन एंड लेंथ, और जिस तरह से बल्लेबाज आउट हुए डीरेन, अब कप्तान आ चुके हैं चिराग, और चिराग की बात की जाए तो बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, ऑलराउंडर की मुख्य भूमिका पर है, पर पिछले दो मुकाबले में उन्होंने जो अपना विकेट गवाया LBW के रूप में, तो यहाँ पर बहुत ही समझकर पारी खेलनी होगी। और इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, जमीन के सहारे पहला रन काफी तेजी के साथ हल्का रन, मिस फील्डिंग हुई, और इसी बीच एक ही रन से संतुष्ट एक के साथ चिराग ने अपना अकाउंट शुरू किया, टीम के स्कोर को पहुंचाया 23 रन। ये मुकाबला जिस तरह से जारी है, 21 गेंदों का खेल अनिशेष है, और बाकी बची 21 गेंदों में जीत के लिए 28 रनों की आवश्यकता है। 21 गेंद 28 रन, रोमांचक मुकाबला पूरी तरह से जारी। इस ओवर की बात की जाए तो 3 गेंदों में 1 विकेट, 1 रन, 1 डॉट बॉल, तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए कप्तान रचित उर्फ राजा सायुग 11 के लिए। और इस बार क्या कमाल का शॉट, विकेट के पीछे फाइन लेग के ऊपर गेंद को जांचा, परखा और खेल दिया। कमजोरी एक दूसरे की भली भांति जानते हैं, पर यहाँ पर जिस तरह से जगह बना के साथ खेल दिया, कमाल का शॉट मिडल ऑफ द बैट 4 रन। और इस बार एक सम्मान के साथ गेंद को हल्के हाथों से जमीन के सहारे खेल दिया, फील्डिंग हुई मिस, नजर हती दुर्घटना घटी, एक की जगह पर आया 2-2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन, 29, 2 विकेट के नुकसान पर महत्वपूर्ण मुकाबला जारी। ये तीसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर रचित, शुरुआत अच्छी हुई थी इस ओवर की, और अपील हुई थी जोरदार, उत्साह ज़्यादा विश्वास कम, नकारात्मक अपील जरूर, और अंपायर का इशारा लेग बाई का अतिरिक्त रनों के साथ यह ओवर का खेल समाप्त हुआ। इस ओवर से आए 8 रन, 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 30, 2 विकेट के नुकसान पर, बाकी बचा खेल अठारह गेंदों का,
और 18 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 21, यानी कि 7 रन प्रति रन रेट की औसत से रन बनाने होंगे। इक्कीस रन की आवश्यकता है काफी इजी टारगेट यहाँ पे डीएफ लायंस के लिए आने वाली 3 ओवरों में बनाने होंगे और 21 रन यानी कि 7 रन प्रति ओवर। अभी भी सुधीर बॉलिंग लाइनअप से मिसिंग है, बिल्कुल ही समझ के बाहर है मेरा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के सूची में पहले नंबर पे है सुधीर। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है सुधीर को क्यों बॉलिंग से वंचित रखा है सायुक के कप्तान ने। कल उन्होंने हैट्रिक भी लिया था। डेड बॉल का इशारा है अंपायर का। अठारह गेंदों में 21 रन, गेंदबाजी के लिए आए हैं जितेश। सामना करेंगे क्यूर। 18 गेंदे हैं, 21 रन है, मात्र 2 रन 2 विकेट गवाए हैं अब तक डीएफ लायंस ने। काफी कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आते हुए इस समय डीएफ लायंस की टीम, और उसी बीच केयूर ने हवाई फायर किया वहां पे और गेंद को पहुंचा दिया सीमा पार 6 रन के लिए। इस बार अच्छी गेंद, जड़ में की हुई गेंद जिसे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खेल दिया 1 रन के लिए। अच्छी स्मार्ट क्रिकेट खेलते हुए वहां पे केयूर जानते हैं बट ज्यादा रेस्ट लेने की जरूरत है नहीं। पहले एक बेहतरीन छक्का लगाया पहली गेंद पे और अगली गेंद पे स्ट्राइक रोटेट करके अब स्ट्राइक पे आया है चिराग कैप्टन डीएफ लायंस के। काफी खुश होंगे अपने टीम के बैटिंग परफॉर्मेंस से, गेंदबाजी भी बेहतरीन की थी चिराग ने, आखिरी ओवर में 3 विकेट लिए थे और जिसमें एक रन आउट भी शामिल था, यानी कि आखिरी ओवर में जहां पे ज्यादा से ज्यादा रन आने चाहिए किसी भी बैटिंग फर्स्ट बैटिंग टीम के लिए, वहां पे उन्होंने रनों की गति को एकदम से रोक दिया, मात्र 1 रन दिया 3 विकेट चटके। ओवर में 4 विकेट जरूर आए थे 1 रन आउट के रूप में, 3 विकेट लिए चिराग ने। कल जो चिराग हमें थोड़े फीके नजर आए थे, आज थोड़ा रंग में नजर आते हुए। इस बार कट कर दिया है बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 41, यानी कि अभी भी 10 रन की आवश्यकता जीत के लिए। इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास जरूर चाहेंगे चिराग के, जल्द से जल्द इस मैच को खत्म करें ताकि ज्यादा से ज्यादा गेंद बचे और उसकी वजह से नेट रन रेट में उनको थोड़ा फायदा हो, क्योंकि आखिरी दिन सारी टीमों के लिए नेट रन रेट पे बात बनाएगी और ये बात हर टीम को अपने दिमाग में रखनी होगी कि यहाँ पे सिर्फ मैच जीतने से ही काम नहीं होगा, आपको मैच एक कॉम्प्रिहेंसिवली जीतना पड़ेगा ताकि नेट रन रेट पे आपको थोड़ा फायदा हो। सायुक भी चाहेगी कि इस मैच को आखिरी ओवर तक जैसे तैसे भी करके आखिरी ओवर तक लेके जाना होगा।
आखिरी वाले के आर्यन जो कि अपने पहले ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए थे। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी उसे हवाई फायर करने का प्रयास, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में लगने वाला एक और झटका चिराग के रूप में। के बाहुबली माने जाते हैं, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर आर्यन की अगली गेंद। इस बार अच्छी गेंद पटकी हुई, थोड़ी तेज गेंद रही थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। क्या आर्यन यहां से कुछ चमत्कार कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। विशाल दादा जिनका बल्ला अभी तक शांत रहा है, अभी भी एक भी छक्का नहीं लगाया इस टूर्नामेंट में। क्या ये वो पारी होगी जहां पे अपना इंजन गर्म करेंगे, देखना होगा। एक और पटकी हुई गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, वन बाउंस फॉर द ओवर। यानी कि अगर वापस ऐसी गेंद करेंगे आर्यन तो नो बॉल दे सकते अंपायर। जैसे कि इंटरनेशनल रूल्स है, एक ही बाउंसर डाल सकते हैं गेंदबाज। अब देखना होगा आप कहां करेंगे आर्यन। इस बार नो बॉल, मैंने पहले ही कहा था अगर वापस ऐसी ही गेंद करेंगे तो अंपायर नो बॉल दे सकते हैं, और यहां पे नो बॉल का इशारा अंपायर का, और अगली गेंद अब होगी फ्री हिट। इसे कहते हैं टैलेंट तो बहुत है लेकिन एक्सपीरियंस की कमी आर्यन द्वारा। इस बार कटर गेंद जरूर थी लेकिन उस गेंद को पहुंचा दिया तारामंडल में, छह रनों के लिए विशाल दादा के। जीत के लिए अभी भी दो रन की आवश्यकता, और एक और खराब गेंद, वाइड गेंद का इशारा अंपायर का, एक्सपीरियंस की काफी कमी नजर आते हुए यहां पे गेंदबाज द्वारा। द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इस टूर्नामेंट के सुधीर कामली, जिनको इस मैच में एक ओवर भी नहीं मिला। इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर, फुल टॉस गेंद, खराब गेंद जिसे खेल दिया एक रन के लिए। इसी एक रन के साथ इस मैच को बड़ी आसानी से जीता डीएफ लायंस ने, और अपने इस टूर्नामेंट में ये दूसरा मुकाबला जीता डीएफ लायंस। अब मजा आएगा, साई योग जो कि अपना ये चौथा मुकाबला खेला जिसमें से दो मुकाबले जीते हैं, दो मुकाबले हारे हैं। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच डीएफ लायंस के कप्तान चिराग, एक ओवर जिसमें तीन विकेट लिए मात्र एक रन देके, और बल्लेबाजी करते हुए